कुछ ही समय पहले हमने टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएंट यानी VX ऑप्शनल 8 सीटर को रिव्यू किया था। हावेवर उस गाड़ी में आपको सिंगल बेंच मिलता है और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि उसमें मिस आउट होते हैं। जब इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च हुई थी तो उसका सबसे बड़ा मेन USP फीचर था इसका ऑटोमैन सेकेंड रो सीटिंग, जो कि सिर्फ आपको ZX ऑप्शनल यानी ये टॉप स्पेक वेरिएंट पे मिलता है। इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो में मैं आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा इन दोनों ही वेरिएंट्स में और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बना है, किस तरीके के बायर के लिए बना है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजीन और आप देख रहे हैं एनीवन व्हील्स। अब डिजाइन की बात करें, दोनों ही वेरिएंट्स ऑब्वियसली मेजरली सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो फीचर्स के ZX ऑप्शनल पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट पे आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं और साथ ही साथ बम्पर के इस लोअर पार्ट पे ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम का टच भी मिलता है। लेकिन सबसे मेजर एडिशन क्या है, वो है ये LED DRL सेटअप, जिसमें LED टर्न इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं। और एक और माइन्यूट डिटेल, ZX ऑप्शनल पे आपको ये यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा मिलेगा जो कि इसके 360 डिग्री पार्किंग व्यू फीचर में हेल्प करता है। साथ ही साथ जब आप विंडस्क्रीन पे नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पर भी सेंसर एंड कैमरा मिलता है। दिस इज़ बेसिकली ADAS फीचर जो कि आपको सिर्फ ZX ऑप्शनल यानी टॉप वेरिएंट प्रोवाइड करता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, काफ़ी सारे चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस इसको डिफरेंट बनाते हैं VX ऑप्शनल से। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज इज ऑब्वियसली द बिगर 18-inch ब्रश्ड एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स। VX ऑप्शनल पे ये आपको 17-inch मिलते हैं। ऑन द साइड प्रोफाइल अगेन ORVMs में आपको इंटीग्रेटेड कैमरा फॉर द 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट एंड क्रोम की बीडिंग्स विद क्रोम डोर हैंडल्स। ये थोड़ा सा इसकी आउटलुक को और इसके पर्सोना को एम्प्लीफाई करते हैं ऑन द रोड। एट द रियर द कार लुक्स मोर और लेस द सेम। एक क्रोम की स्ट्राइप आपको यहाँ पर मिलती है ऑन द बूट लिड, बट द बिगेस्ट फीचर एडिशन इज ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रिक टेलगेट। यस, दिस कम्स हैंडी जब आप सामान आपके दोनों हैंड्स में हैं, यू आर गोइंग टू पुट लगेज। दिस इज अ वेरी कूल फीचर एंड दिस इज वॉट ZX ऑप्शनल पैसा मांगता है इन फीचर्स का। ये सारे चेंजेस ना सिर्फ ZX ऑप्शनल के पर्सोना को एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन सबसे मेजर चेंजेस जो हैं वो इसके कैबिन में हैं। लेट्स गेट इनसाइड। जैसे ही आप ZX ऑप्शनल के कैबिन में आएंगे, बहुत सारे लग्जरी ओरिएंटेड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज इज ऑब्वियसली द लेदर ट्रीटमेंट। आपको लेदर सीट्स मिलती हैं और दोनों ही फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, जिनको आप बटन से सेंटर कंसोल से ऑपरेट कर सकते हैं। और यही लेदर की टच आपको डोर पैड्स पे एंड इवन ऑन द डैशबोर्ड मिलती है, जिससे जो प्रीमियम फैक्टर है वो ZX ऑप्शनल में काफ़ी एनहांस हो जाता है। स्क्रीन की बात करें, दिस इज द सेम टच स्क्रीन जो VX ऑप्शनल पे आपको मिलती है। साइज, यूजर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट दिस म्यूजिक सिस्टम इज सपोर्टेड बाय JBL 9 स्पीकर्स। और साथ ही साथ आपको एक सबवूफर भी मिलता है टू एंजॉय योर लॉन्ग जर्नीज। नाउ फ्रॉम द ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, यू ऑल्सो गेट मेमोरी सीट एंड 8-way इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एडजस्टमेंट, जो कि काफी ईजी है। एडिशनली द स्टीयरिंग इट्स लेदर रैप्ड और आप इसको टेलीस्कोपिक एंड रेक एडजस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज मैनुअल। ADAS लेवल 2 फीचर्स आते हैं और उसके बटन्स आपको ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टीयरिंग मिलेंगे। इन बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं लेन चेंज असिस्ट सिस्टम्स को, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ड्राइविंग, एंड ऑल्सो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल असिस्ट सिस्टम भी आपको यहाँ मिलते हैं टू रिड्यूस और इंक्रीज द डिस्टेंस इन बिटवीन योर कार एंड द फ्रंटल कार। इसके अलावा आपको सेंटर कॉन्सोल पे सिमिलर लेआउट मिलता है, बट इस वेरियंट में आपको सेंटर कॉन्सोल में ये ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है ताकि प्रीमियम फैक्टर एनहांस हो जाए। सेम आर्म रेस्ट बट लेदर रैप्ड अगेन, एंड दिस ओपन्स only from the driver's side, and the utility spaces, everything, charging options, aapke cubby holes, everything is similar to the VX optional variant. And before we proceed to the main and most important addition of the ZX optional, front pe aapko ek separate dual zone climate control milta hai. In fact, ek choti si addition, दोनों ही सन ब्लाइंड्स जो आपको सामने दिए गए हैं, इन पे वैनिटी मिरर्स भी मिलते हैं विच आर अटैच्ड टू द वैनिटी लाइट्स। नाउ दिस स्पेस इज एग्जैक्टली व्हाई यू शुड बाय द टॉप स्पेक ZX ऑप्शनल वेरिएंट।
ऑटोमैन सीट्स। जी हाँ, इसमें आपको 7 सीटिंग ऑप्शन मिलता है, बट द 2 कैप्टन चेयर्स इंडिविजुअल सेकेंड रो सीट्स आर ओनली एंड ओनली मेड फॉर पीपल हु लव टू बी शॉफर ड्रिवन। एंड यहाँ पर ना सिर्फ आपको सीट कैप्टन मिलती हैं, लेकिन इनमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी मिलता है फॉर योर बैक। एंड इवन इफ यू वॉन्ट समथिंग टू सपोर्ट योर लेग्स एंड यू वॉन्ट टू जस्ट ले डाउन, ओ माई गॉड, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन लाइक दिस, you can easily relax. And the panoramic sunroof, it offers you ample of ambience. Sun blinds diye gaye hain taki aap thoda sa cozy feel karein, but ye VX optional mein bhi aate hain. But what the VX optional doesn't offer is this separate climate control unit for the rear passengers. So obviously, agar aap chauffeur driven hain and you're buying this variant, this will create a complete zone only made for you, jahan par aap apni business meetings le sakte hain. You can operate meetings, you can operate your work stuff, you can relax while traveling on the highway, and you can in fact enjoy those night, long night journeys without any hassle. So, आपको ZX optional and VX optional इन दोनों में से कौन से वेरिएंट को चूज करना चाहिए? ZX optional as per us is only made for buyers who mostly will be driven by chauffeurs. Ottoman seats जो हैं वो आपको एक different experience देती हैं interiors का, and if you are going to be chauffeur driven, that is the most important part. Not to mention, आपको इसमें ADAS features मिलते हैं for increased safety and the leather treatment and different climate control options for the rear passengers are something to look out for. However, VX optional variant, which is 3 lakhs cheaper than the ZX optional, offers you almost same. उसमें आपको ADAS features नहीं मिलते हैं and leather treatment भी नहीं मिलता है. Of course, no ottoman seats for second row passengers. However, 3 lakh rupees is a very big sum where the car is same, engine is same, driving experience is same, and those features, especially the ADAS features, well, they are still a debatable thing in terms of safety on the Indian roads. At the end of the day, paisa aapka hai, choice bhi aapki hai. You tell us down in the comments what you think. ZX optional से better क्या वो variant है? Because this variant is already commanding a very very big premium in terms of pricing and also a very long waiting period when compared to the VX optional. I'll meet you again very soon. Until then, please keep driving safe and always wear seat belts.